Hello student of class 11, I am going to start your new topic, that is the dimensional analysis. पहले हम देखेंगे dimension. Dimension होता क्या है? कोई भी हमारी जो physical quantity होती है या फिर basic physical quantity होती है, तो basic physical quantity है उसके हम help से derived physical quantity देखते हैं, निकालते हैं. अब उस derived physical quantity में कितने हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, कितने टाइम्स आ रहे हैं, वो नॉमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशन देखते हैं कि एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में कितनी टाइम्स रिपीटेशन होता है. यानी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही हमारा उस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जैसे स्पीड हो गया, स्पीड बराबर क्या होता है स्टूडेंट जरा बता दीजिए. स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट टाइम हो जाएगा. तो अगर आप यूनिट निकालेंगे स्पीड का तो कितने के बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड, ये हो जाएगा आपका मीटर अपान सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. यानी स्पीड में दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, एक तो मीटर है और दूसरा सेकेंड. अगर हम इसको ऐसे लिख दें मीटर सेकेंड के पावर माइनस वन, इसका मतलब ये है कि यहाँ मीटर का पावर वन है और यहाँ सेकेंड का पावर माइनस वन. यानी मीटर एक बार आया है क्योंकि इसका पावर प्लस एक है यानी वो नॉमिनेटर में है, और सेकेंड का पावर माइनस वन है यानी सेकेंड एक बार आया है, टाइम एक बार इन्वॉल्व है और वो कहां पे है डिनोमिनेटर में. लाइकवाइज अगर हम फोर्स के बारे में देखें तो फोर्स के बारे में अगर हम देखें तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फिजिकल क्वांटिटी. अब ये कितने बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो अगर हम यूनिट निकालेंगे यूनिट ऑफ एफ तो ये हो जाएगा मास का किलोग्राम और इसका मीटर सेकेंड के पावर माइनस टू. यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं किलोग्राम का पावर प्लस वन है, इसका पावर प्लस वन है लेकिन इसका पावर माइनस टू. यानी मास एक बार आया है, मीटर एक बार आया है और ये दोनों नॉमिनेटर में है और सेकेंड का पावर माइनस टू है, इसका मतलब टाइम दो बार आया है और वो डिनोमिनेटर में. यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का पावर देखकर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का ये पावर देखकर जो पावर यहाँ पे प्लस वन माइनस टू है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में कितने बेसिक यूनिट का डायमेंशन इन्वॉल्व है हम ये पता लगा. क्लियर? यानी जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट वो ये बताता है कि एक हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में कितनी टाइम्स आई, वो नॉमिनेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में. यानी जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे किलोग्राम का पावर वन है, मीटर का पावर वन है और सेकेंड का पावर माइनस टू. यानी यहाँ जो मास का डायमेंशन हो जाएगा वो प्लस वन हो जाएगा, लेंथ का जो डायमेंशन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, सेकेंड का पावर माइनस टू है यानी इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा माइनस टू. यानी किसी भी बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं. क्लियर? और ये डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं, और एक फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता है ये हम देखेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पहले हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और ये कौन सा क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. दूसरा इसका यूनिट क्या होता है हम ये लिख देते हैं, और फिर इसका डायमेंशन क्या होगा हम ये देखते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा, अब मैं जो है डायमेंशन लिखता, यहाँ पे हम डायमेंशन लिख देते हैं, यहाँ पे हम डायमेंशन लिखते हैं. जो सबसे पहला हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होगा जो हम देखे थे वो क्या होता है, मास होता है. मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, किलोग्राम, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में.
यानी डायमेंशन को हजम हम इस बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। और मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम होता है। ऐसे ही जो दूसरा होगा वो हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ होता है। लेंथ का क्या होगा, यूनिट मीटर। और इसका जो हमारा यूनिट हो डायमेंशन होगा कैपिटल एल। ऐसे ही जो तीसरा होता है हमारा बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होगा स्टूडेंट, टाइम हो जाएगा। टाइम का क्या होता है, यूनिट सेकेंड होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल टी होता है। क्लियर। ऐसे ही जो हमारा चौथा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर का स्टूडेंट जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। और इसका डायमेंशन के। क्लियर है। और फिर जो पांचवा होगा वो हमारा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। और इसका जो होता है वो क्या होता है, सीडी होता है, कैंडेला होता है। और इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे सीडी डॉट लगा के। और फिर जो छठा हमारा होगा वो होगा करेंट। करेंट का क्या होता है स्टूडेंट, करेंट का होता है एम्पीयर। एस इंडिकेट करते हैं और इसको एस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर हमारा जो सातवां होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पे सातवां फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। इसका जो होता है वो मोल होता है, मोल होता है। और इसका जो यूनिट होता है इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, सातवां जो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा स्टूडेंट वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं डायमेंशन। जो सातवां हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या बचा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेंट है, करेंट, और इसका यूनिट एम्पीयर, और डायमेंशन ए। तो ये हमारे सात बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये इसका यूनिट है, और ये इसका क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन को हजम हम बड़े वाले ब्रैकेट में पुटअप करते हैं, मास का कैपिटल एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अच्छा करेंट तो वहां पे हमने लिखा, सॉरी यहां होगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका होगा मोल, और इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट कर देंगे। और टेम्परेचर का हमारा के है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, करंट का हमारा एम्पियर है, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल। तो ये हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गए, और ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन। अब हम डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। जैसे हम यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं, एरिया का हमें जो है डायमेंशनल एनालिसिस करना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू वाइड। लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और वाइड का भी जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर, और डायमेंशन क्या है एल, यानी यहाँ एल का पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम ये पूछे इसमें डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो एल का पावर कितना है, टू, यानी जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ लेंथ जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा इसमें, टू के बराबर। यानी डायमेंशन जो होता है किसी भी बेसिक यूनिट का पावर होता है,
क्लियर है, या बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का क्या होता है, पावर होता है, अगर ये देखे तो। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ कितने के बराबर, 2 के बराबर। यानी किसी भी बेसिक यूनिट का जो पावर होता है वही उसका क्या हो जाता है, डायमेंशन। क्लियर है। और ये क्या बताता है, डायमेंशन अगर इसका पावर 2 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये कितने टाइम्स आया है, बता दीजिए 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स क्या है जरा बता दीजिए, लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ इन किसमें आया है, एरिया। क्लियर है। यहाँ पे मास नहीं है और न ही यहाँ पे क्या है, टाइम है। यानी जब मास और टाइम नहीं है तो एम के पावर 0 और टी के पावर क्या लिख देते हैं, 0। क्योंकि किसी के पावर, किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 करते हैं यानी वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे एम का पावर 0 है यानी मास नहीं है, टी का पावर 0 मतलब टाइम भी इन्वॉल्व नहीं। ऐसे ही अगर हम देखें स्पीड, ये हमारा पहला हो गया। अगर हम स्पीड देखें स्टूडेंट, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यूनिट देखें, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा, ये हम एसआई यूनिट लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम एसआई यूनिट लिख देते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर, और टाइम का क्या होता है, यानी ये आपका हो जाएगा एन एस के पावर माइनस। तो अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, किसका डायमेंशन स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में पुट अप कर देते हैं, और ये मीटर है यानी एल, और ये टाइम है टी के पावर माइनस। यानी अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड का जो डायमेंशन आ गया वो एल टी के पावर माइनस 2, यहाँ एल का पावर 1 है और यहाँ टी का पावर माइनस 2। यानी टाइम हमारा एक बार आया है क्योंकि इसका पावर 1 है, और सॉरी लेंथ का पावर 1 है, इसका मतलब लेंथ एक बार आया है, टाइम का पावर माइनस 2 है यानी टाइम 2 टाइम्स है, वो भी लेंथ प्लस है यानी नॉमिनेटर में है, और टी का पावर माइनस 2 यानी ये टाइम डिनोमिनेटर में। यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितने के बराबर है, प्लस 1 के बराबर है। यानी ये कितने टाइम्स आया है जरा बता दीजिए, 1 टाइम्स आया है, और ये कहाँ पे है स्टूडेंट, नॉमिनेटर में, नॉमिनेटर में, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लस। ऐसे ही अगर हम देखें डायमेंशन देखें, तो डायमेंशन ऑफ टाइम कितने के बराबर है माय डियर स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू माइनस 2, और ये कितना बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ये स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस 2 है, जबकि ये लेंथ का डायमेंशन है और ये टाइम का डायमेंशन। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है कि वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी टाइम्स आया। ओके, अब आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो है। इसको मिटाते हैं, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो। अब थर्ड एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं स्टूडेंट। अगर थर्ड एग्जाम्पल देखें तो तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फोर्स का। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ योर मास का क्या होता है स्टूडेंट, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर माइनस 2। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन ऑफ एफ कितने के बराबर होगा, एफ को हम बड़े वाले ब्रैकेट में पुट अप करेंगे क्योंकि एफ का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। यहाँ किलोग्राम का जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, यहाँ लेंथ है मीटर है, मीटर का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, और टाइम का डायमेंशन टी, लेकिन टी के पावर माइनस क्या है, 2। क्लियर। यानी यहाँ पे अगर हम पूछे कि डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस 1।
डायमेंशन अगर हम पूछें किसका, लेंथ का, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस वन हो जाएगा। अगर डायमेंशन अगर हम टाइम का पूछें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू। ये प्लस है, इसका मतलब ये कहाँ पे है, नॉमिनेटर में है, और ये भी कहाँ पे है स्टूडेंट, नॉमिनेटर में है, और ये कहाँ पे है, माइनस है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में। ये कितनी बार आया है, तो वन टाइम्स आया है। ये कितनी बार आया है, टू टाइम्स, और ये कितनी बार आया है, टू टाइम्स आया, लेकिन डिनोमिनेटर। इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस जो है स्टूडेंट हम देख रहे हैं, किसी भी बेसिक यूनिट का पावर होता है। यहाँ एम का पावर प्लस वन था, यहाँ एल का पावर प्लस वन था, तो मास का जो डायमेंशन हो गया वो प्लस वन, लेंथ का डायमेंशन प्लस वन, और टाइम का डायमेंशन माइनस टू। यानी जो डायमेंशन होता है वो किसी भी फिजिकल या किसी भी बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर होता है। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन। अब जो है हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो ओके स्टूडेंट, जो अब आगे हमें देखना होता है इसमें, वो हमारा होता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल एंड डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि फोर्स बराबर, एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और ये कितने के बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग जान गए हो डायमेंशन निकालना। तो फोर्स का जब डायमेंशन हमें निकालना है अगर, तो हम क्या निकालेंगे, पहले एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट एफ, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर टू, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर माइनस टू। अगर हम इसका डायमेंशन देखें स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, एफ, बड़ा वाला ब्रेकेट लगा देंगे, इसका मतलब ये है डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब ये बराबर हो जाएगा एम, किलोग्राम का एम, लेंथ का सॉरी मीटर का लेंथ एल, और टाइम का टी के पावर माइनस टू, फिर बड़ा वाला ब्रेकेट हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रेकेट लगा। तो ये जो हमारा इस स्क्वायर ब्रेकेट में दिखाई दे रहा है एम एल टी के पावर माइनस टू, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। और यहां पे जो हमारा फोर्स ऐसे दिख रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी के पावर माइनस टू, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, यानी ये डायमेंशन ऑफ एफ बराबर एम एल टी के पावर माइनस टू, ये जो दोनों टर्म है हमारे, ये डायमेंशनल इक्वेशन बोले जाएंगे, जबकि इधर वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे जैसे एक आप सबको एग्जाम्पल हम देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला हरदम एम एल टी के टर्म में लिखा जाता है। अगर हम मैकेनिक्स देखें तो ए एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका एसआई यूनिट निकाले स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट अब जो ए होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी का, क्या होता है, वेलोसिटी का होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एम एस माइनस टू। क्लियर है। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, यानी अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ ए की, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, यानी ए को स्क्वायर ब्रैकेट में पुट अप करेंगे, और ये हमारा मीटर है यानी लेंथ की यूनिट है, तो ये हो जाएगा एल, और ये सेकेंड है, यानी इसका जो डायमेंशन हो जाएगा टी के पावर माइनस टू। इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मास, वो इन्वॉल्व नहीं, यानी इसमें मास नहीं आ रहा है। जब मास नहीं आ रहा है तो हम यहाँ एम के पावर क्या कर देते हैं, जीरो। यानी एम का पावर जीरो का मतलब ये है कि मास का डायमेंशन जीरो, यानी इसमें मास इन्वॉल्व नहीं,
जबकि लेंथ का पावर हमारा कितना है यहाँ पे, वन है, यानी लेंथ का डायमेंशन प्लस वन है और टाइम का डायमेंशन माइनस टू। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो हमें देखना होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जैसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट, होमोजेनिटी मतलब हमारा ये है कि सेम, क्लियर है कि नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड टुगेदर और सबट्रैक्टेड टुगेदर, यानी हम सेम यूनिट को ही एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम कह रहे हैं कि 7 मीटर एज 8 मीटर को क्या करिए स्टूडेंट, जरा बता दीजिए, एड करिए। तो जब हम एड करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, 7 मीटर प्लस 8 मीटर कितना हो गया जरा बता दीजिए, 15 मीटर हो गया। यानी यहां पे भी हमारा यूनिट मीटर है और यहां पे भी यूनिट मीटर है, यानी एडिशन क्या होगा जरा बता दीजिए, एडिशन इज पॉसिबल। लेकिन यही अगर हम कहें कि 7 मीटर एंड 8 मीटर पर सेकेंड को क्या करिए आप, एड करिए, तो आप क्या करोगे जरा इसको एड करिए, तो ये हो जाएगा 7 मीटर प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे यूनिट दोनों का यूनिट जो है, यहाँ पे यूनिट हमारा सेम था लेकिन यहां अगर हम दोनों यूनिट देखते हैं स्टूडेंट तो ये क्या है, डिफरेंट, यानी यहाँ पे जो है डिफरेंट यूनिट। जब डिफरेंट यूनिट होगा तो क्या हम मीटर पर सेकेंड में मीटर को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। ये एक अलजेब्राइक मेथड फॉलो करते हैं जो यूनिट एडिशन होते हैं, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे मीटर, यानी एडिशन पॉसिबल नहीं, यानी कैनॉट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट कैनॉट ए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबस्ट्रेक्ट, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एडिशन और सबस्ट्रेक्शन इज पॉसिबल। यानी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड और सबस्ट्रेक्टेड टूगेदर, यानी इट स्टेट दैट, आई एम राइटिंग दिस, इट स्टेट दैट सेम यूनिट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर। क्लियर, जैसे एग्जांपल अगर हम यहां 7 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं और यहां पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, अगर जोड़े तो ये हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम यही 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 8 मीटर को कहें जोड़िए, तो ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे मीटर, दोनों डिफरेंट यूनिट है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी डिफरेंट यूनिट को हम एक साथ नहीं जोड़े। जब भी जोड़ेंगे तो हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ जोड़ा जाएगा। जबकि हमारा अगर मल्टीप्लीकेशन देखा जाए या फिर डिवीजन देखा जाए, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमारा ऐसा नहीं होता है कि सेम मल्टीप्लाई विद सेम फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, जबकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी एक साथ जोड़े या घटाए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुआ। अब ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ, आई एम राइटिंग हियर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन होता है ये हम देखें। पहला जो होगा डायमेंशन का एप्लीकेशन, हम किसी भी फार्मूला के करेक्टनेस को देखने के लिए करते हैं कि कोई फार्मूला सही है या फिर गलत है, ये हम डायमेंशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। यानी टू चेक, पहला जो होगा टू चेक द करेक्टनेस
to check the correctness of a formula. इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कोई फार्मूला सही है या गलत है ये देखने के लिए हम किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसमें हम चेक क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए अगर हम उनको एक साथ जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ईच टर्म इन फार्मूला, ईच टर्म इन फार्मूला मस्ट हैव सेम यूनिट। और लिख सकते हैं हम क्या, यूनिट ही रहने देते हैं अभी बात, मस्ट हैव सेम यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, स्टूडेंट v बराबर यू प्लस ए टी। यहां पे हम देख रहे हैं ये LHS, ये वेलासिटी है, तो वेलासिटी का यूनिट मीटर पर क्या होता है, सेकेंड। यहां पे अगर हम देखें तो ये भी हमारा इनिशियल वेलासिटी होता है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। प्लस यहां देखते हैं ये हमारा एक्सीलरेशन होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू इस टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है और इसका भी यूनिट का जो सॉरी हर एक टर्म का, ये पहला टर्म इसका भी मीटर पर सेकेंड यूनिट, ये दूसरा टर्म इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, हर एक टर्म का जो यूनिट होता है वो सेम होती है, सेम यूनिट के साथ जोड़े जाते हैं या फिर घटाए जाते हैं। इसी का यूज करके हम इस फार्मूला को बताएंगे कि कोई फार्मूला सही है या नहीं है। कैसे हम करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां मिटाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS बराबर होना चाहिए किसके स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ किसके, RHS के, तभी जाके हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इज करेक्ट। तो हम बोलेंगे कि फार्मूला हमारा क्या है, करेक्ट। जैसे कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, पहला v बराबर या ये ले लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चेक करना है, चेक वेदर इट इज करेक्ट। जैसे ये हमें चेक करना है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर सही है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS में क्या है स्टूडेंट, s ये डिस्टेंस होता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर, और जो डायमेंशन होगा s का वो बराबर हो जाएगा l। क्लियर है। RHS हमारा क्या है, तो RHS हमारा है स्टूडेंट UT प्लस 1/2 AT। क्लियर है। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, 1/2 का कोई यूनिट होगा नहीं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंड से सेकेंड विल बी कैंसिल आउट, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर प्लस मीटर, यानी हर एक टर्म का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो इसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे स्टूडेंट, तो डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ RHS हो जाएगा L, क्योंकि इसका भी L, इसका भी L, 2L2 का कोई डायमेंशन होता नहीं है इसलिए L। इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट कि डायमेंशन ऑफ RHS बराबर है किसके,
डायमेंशन ऑफ किसके LHS। इस तरह से हमारा जो फार्मूला एस यूटी प्लस 1/2 एडी स्क्वायर है वो क्या है, करेक्ट। अब अगला जो हमारा अप्लीकेशन होता है डायमेंशन का स्टूडेंट, वो होता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना। जैसे हम देखते हैं अगला जो एप्लीकेशन होगा वो हमारा होगा स्टूडेंट सेकेंड यूज। देखते हैं तो सेकेंड यूज हमारा जो होगा वो ये होगा कि टू डिड्यूस रिलेशन अमाउंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या डेवलप करते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं। क्या रिलेशन है वो क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ पे आप सबको बताते हैं कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम है और ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन मोशन कर रहा है सिंपल पेंडुलम। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है टी, मास कितना है एम, और इसका जो लेंथ है वो एल। तो जो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी है लेंथ मास और इसके ग्रेविटेशनल रिलेशन पे, वो रिलेशन हमारा दिया हुआ एम टू दी पावर एल टू दी पावर बी के टू दी पावर सी, यानी ये हमको दिया रहेगा स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले टी बराबर हम क्या लिखेंगे, जब ये प्रोपोर्शन से सिंबल हटेगा तो ये कॉन्स्टेंट क्या है, के एम टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी के टू दी पावर सी, क्लियर है। अब हम जो है LHS लेते हैं, LHS में क्या है, तो यहाँ पे LHS हम ले रहे हैं। तो अगर LHS देखा जाए इसका तो टी हमारा क्या होता है, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, और जब डायमेंशन हम निकालेंगे तो डायमेंशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डायमेंशन जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा, क्योंकि एम है नहीं यहाँ तो एम का पावर जीरो और एल भी नहीं है तो एल का पावर, क्लियर है, यानी एम जीरो टी वन एल के पावर जीरो, ये हमारा डायमेंशन होगा। इसका जरा बता दीजिए, डायमेंशन ऑफ एल एच एस। नाउ अब हम जो है आरएचएस का डायमेंशन देखते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो अगर हम आरएचएस का डायमेंशन देखेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आरएचएस, जो आरएचएस है वो कितने के बराबर है स्टूडेंट, के एम के पावर ए एल के पावर बी और जी के पावर सी। यहाँ के तो कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शन टी कॉन्स्टेंट, तो इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ये मास है, मास का क्या होता है किलोग्राम, केजी ए, लेंथ का मीटर ए और इसका मीटर पर सेकेंड के पावर सी। अब अगर हम डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, डायमेंशन आप अगर हम आरएचएस देखें तो ये हो जाएगा एम का पावर ए, किलोग्राम की जगह पे एम डायमेंशन, मीटर की जगह पे एल टू दी पावर ए और यहाँ मीटर है तो एल टू दी पावर सी, अपन ये आपका सेकेंड है तो सेकेंड की जगह पे टी के पावर माइनस सी, बड़ा वाला ब्रेकेट हम क्या करेंगे स्टूडेंट बनता, यानी यहाँ से जो डायमेंशन हो गया ऑफ आर एच ए वो बराबर हो गया स्टूडेंट एम टू दी पावर ए, यानी एम टू दी पावर ए एल टू दी पावर ए सॉरी बी है, ये बी होगा स्टूडेंट, ये बी होगा एल टू दी पावर बी प्लस सी और टी टू दी पावर माइनस सी, बड़ा वाला ब्रेकेट हम क्लोज कर। अगर ये हमारा फॉर्मूला सही है, ये करेक्ट रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, इफ रिलेशन इज ट्रू सो डायमेंशन ऑफ, यहां पे हम लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ RHS। अब LHS का क्या डायमेंशन है माय डियर स्टूडेंट टेल मी,
जो ellipses का डायमेंशन है वो कितना है, यहाँ हम लिख रहे हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। क्लियर है? m के पावर 0, t के पावर 1, l के पावर 0। और यहाँ पे स्टूडेंट RHS में देख रहे हैं m के पावर a है, l के पावर b प्लस c है और t के पावर माइनस c। अगर ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसका जो पावर होगा वही इसका पावर होगा, यानी दोनों का पावर इक्वल होगा। यानी जब इक्वल होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ m का पावर a, यहाँ m का पावर 0, यानी a बराबर 0। दूसरा, यहाँ l की पावर b प्लस c, यानी b प्लस c, यहाँ l का पावर 0 मतलब 0, यानी ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट b इज इक्वल टू माइनस c। ओ मीटर पर ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ स्टूडेंट माइनस 2 c हो, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, t के पावर माइनस 2 c होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस टू सी, यहाँ हो जाएगा -2c। तो यहाँ b इज इक्वल टू क्या होगा, -c। यहाँ t के पावर 1 है, यहाँ t के पावर -2c, यानी -2c इज इक्वल टू 1, तो c बराबर कितना हो गया, -1/2। तो b बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -c है तो b बराबर 1/2। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि जो a, b और c की वैल्यू निकाले हुए हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पुटअप कर देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में लाकर पुटअप कर देते हैं। यानी c बराबर हो गया k, m टू द पावर a का पावर 0, यानी m टू द पावर 0, l के पावर b, b कितने के बराबर हम लोग निकाले हैं, 1/2, और g के पावर -1/2। यानी इसको अगर हम देखेंगे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, जो टाइम पीरियड आ गया टी के अंडर रूट एल अपान अंडर रूट जी, या ये हो गया के अंडर रूट एल अपान जी। तो जो टाइम पीरियड जो के की वैल्यू होती है वो 2π अंडर रूट एल अपान क्या होता है, जी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। यानी जो सेकेंड डायमेंशन का यूज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट।